हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो यार, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें मैंने कुकिंग वीडियो रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के बारे में बताया, और हर रेसिपी की वीडियो की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अलग होती है, डिफरेंट होती है, जिसको आप अपनी कुकिंग वीडियोज की स्टार्ट में, मिड में या लास्ट में लगा सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है जिनका कुकिंग चैनल है, जो कुकिंग वीडियोस बनाते हैं। अगर आपका कुकिंग चैनल नहीं भी है तो भी आप एज अ इंफॉर्मेशन इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी कुकिंग वीडियोस के लिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो इस आसान से तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर आर पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बनाने के लिए हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और स्टेप नंबर वन है कि आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद पिक्सल एप एप्लीकेशन को आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। स्टेप नंबर टू कि आपने पिक्सल एप एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपने इसे यहां से कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसे यहां पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने वेट को कर देना है जी 100 वेट कर देनी है, और इसकी हाइट को आपने रिमूव करके 200 कर देना है। हाइट इसकी 200, वेट इसकी 100, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी लिस्ट का साइज आ गया। अब यहां पर आपने अपने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को लिखना है। तो यहां पर आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद एडिट, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर इस अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को लिख सकते हैं, जो भी कुछ आप अपनी रेसिपी की वीडियो में ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, और जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लिख ली। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है चिकन के ऊपर कोई वीडियो बनाई है, चिकन तंदूरी के ऊपर, तो मैंने उसकी इंग्रेडिएंट्स लिख दिया कि 1 किलो चिकन, 1 किलो जो है टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, और इस तरह की आपने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लिख लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखी। तो यहाँ पर लिखने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आ चुकी है। अभी ये बड़ी है, आपने इसे सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, और इसके साइज को आपने थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि इतना आपने पूरा एडजस्ट इसे कर लेना है अपने इस टेबल के ऊपर, और इसे आपने इस तरह से बड़ा कर लेना है, इस तरह से मुकम्मल आ जाए, राइट। तो इस तरह से आपने बड़ा करने के बाद आपने ये राइट स्वाइप करना है। ए पे क्लिक करके राइट स्वाइप करना है। साइज के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। साइज के ऑप्शन पे क्लिक करके इसके साइज को बढ़ा देना है, या जितना आपको मुनासिब साइज लगे उतना साइज आपने रख देना है। उसके बाद गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। राइट स्वाइप करना है। राइट स्वाइप करने के बाद यहाँ पर आपने कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने कोई भी कलर का आपने रेसिपी इंग्रेडिएंट्स की जो है वो उसको कलर देना हो कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद राइट स्वाइप करना है। यहाँ पर बी के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। बी के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसे बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद गुड। अगर आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो ए बी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मुझे फॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज करना, तो यहाँ पर आपने राइट स्वाइप करना है। राइट स्वाइप करने के बाद रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसे सेंटर एडजस्ट कर देना है। सेंटर एडजस्ट करने के बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपने सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अभी सिर्फ हमारे पास फॉन्ट्स आ गए हैं, ये भी पीएनजी में है, इसके साथ बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अब आपका जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो रेडी है। उसको आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने सेव एज इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एज इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना है। तो जैसे आप सेव टू गैलरी करेंगे, जो आपने अपनी अभी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बनाई है वो पीएनजी में बिना बैकग्राउंड के सेव हो जाएगी, और इसे हम कर देते हैं मिनिमाइज। और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बनाने का स्टेप नंबर 3 है कि आपने काइनमास्टर वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करके आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 16:9 के रेशियो को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करते ही आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो अब आपने जो रेसिपी कुकिंग वीडियो बनाई होगी उसका एक फ़ोटो भी लिया होगा, तो उस फोटो को आपने यहाँ पर ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं अपनी उस रेसिपी का फोटो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद इस फोटो को आपने सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करके जितना आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट का टाइम रखना चाहते हो उसे उतना टाइमिंग दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं 14 से 15 सेकंड का इसका टाइम देना चाहता हूँ, तो 14 से 15 सेकंड लाने के बाद मैं इसे स्टार्ट में ले आऊँगा और यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डबल बराबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे दो फिंगर से स्वाइप करके इसे पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना है। पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट करने के बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक करना है। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद अब आपने दोबारा से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मीडिया, मीडिया पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद वाइट कलर का एक बैकग्राउंड ऐड कर देना है। इसे ऐड करके आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसे फुल स्क्रीन एडजस्ट कर देना है। फुल स्क्रीन एडजस्ट करने के बाद गुड के निशान पर आपने क्लिक कर देना है। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद अब आपने इस वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और इसे पूरी स्क्रीन पे अप्लाई कर देना है जितने टाइम में आपने लगाया होगा। अब उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन करना है, अल्फा ओपेसिटी पे क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर 50% रखा है, तो आप भी अपना 50% रखिएगा या अपनी मर्जी के मुताबिक आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद आप अपने टॉप पर हेडिंग ऐड करनी है जिसके ऊपर आपने लिखना है इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। उसके लिए आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मीडिया, मीडिया पर क्लिक करने के बाद अब मैंने जो हेडिंग ऐड करनी है उसे मैंने ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है। इस हेडिंग को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाके लिखिए हेडिंग क्लिप आर्ट PNG, तो आपको गूगल से इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग ऐड करने के बाद अब आपने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देना है ऊपर की तरफ, राइट। तो इसे आपने इस तरह से जो है इसे ऊपर ऐड करने के बाद थोड़ा सा बड़ा आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद आपने ओके के निशान पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपने हेडिंग लिखनी है यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लिखने के बाद अब आपने यहाँ पर देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद ओके करने के बाद ये टेक्स्ट आपके पास आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को उठाकर आप ऊपर की तरफ ले जाएं और यहाँ पर आपने AA के ऑप्शन पर क्लिक करना है। AA के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेना है। फॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज कर लिया, उसके बाद ओके। उसके बाद आपने कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद गुड। अब मेरे पास यहाँ पर हेडिंग इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आ चुकी है, तो मैं इसे यहाँ पर सेंटर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसे सेंटर एडजस्ट करने के बाद अब आपकी एडजस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए, लगा हुआ खूबसूरत भी नजर आए। तो इसे ऐड करने के बाद अब आपने इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इसे पूरी लेयर के ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये इफेक्ट जो है इसे भी सिलेक्ट करना है आपने और इसे भी पूरी लेयर के ऊपर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर जो मैंने सेकंड स्टेप के ऊपर PNG में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बनाई थी उसे ऐड करना है। लेयर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मीडिया, मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब पिक्सल ऐप के अंदर हमने वो बनाई थी, तो पिक्सल ऐप से हम अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आ चुकी है। तो मैं इस ऐप से पकड़ के इसे बड़ा कर लूंगा अपनी मर्जी के मुताबिक। तो बड़ा करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट को मैं थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ जहाँ से मेरी पहली जो है कैटेगरी स्टार्ट हो रही है इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पर लाने के बाद अब मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को जो है यहाँ पर मैं पकड़ के इसे पूरी स्क्रीन पर अप्लाई कर दूंगा। पूरी स्क्रीन पर अप्लाई करने के बाद अब मैंने कहीं पर भी एक टच कर देना है और यहाँ पर टच करने के बाद अब हमने इसे एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए अब आपने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करके आपने की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो प्लस है G+, ये जब तक गहरा वाइट ना हो जाए तो वहाँ पर लाकर आपने रोकना है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे लेके जाना है, माइनर सा, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका वाइट हो वहाँ पर रोक देना है। वहाँ पर रोक के आपने जी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब इसे लास्ट में ले जाना है। लास्ट में ले जाने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लाके रोक दिया। अब मैं इसे स्वाइप अप करूंगा, जो ऊपर की तरफ स्क्रीन में हमारे पास इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसे मैं स्वाइप अप करूंगा इस तरह से, राइट। इस तरह से स्वाइप करूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने स्वाइप करके पूरी स्क्रीन से इसे आउट कर दिया।
राइट। इसे आउट करने के बाद आपने ओके के निशान पर क्लिक कर देना है। अब मैं इसे स्टार्ट में लेके आऊँगा। स्टार्ट में लाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है मेरी हेडिंग के ऊपर से गुजर रहा है, तो मैं हेडिंग को टॉप पे कर लूँगा। जैसा कि इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के इफेक्ट को क्लिक करूँगा, यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसे फ्रंट कर दूंगा, और हेडिंग का जो टेक्स्ट है इस पर भी क्लिक करके थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसे फ्रंट कर दूंगा। तो अब मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है वो कितनी खूबसूरती से बन रही है, कितनी खूबसूरती से चल रही है। तो इस तरह से आप अपनी कुकिंग वीडियो रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बना सकते हैं। और यही आज के हमारे वीडियो का टॉपिक था कि कुकिंग वीडियोस के लिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कैसे बनाएं। तो यहाँ पर ये म्यूजिक नहीं है, इसमें अगर आप म्यूजिक ऐड करना चाहें तो ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। इसे इंग्रेडिएंट लिस्ट को बनाने के बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी कुकिंग वीडियोस के लिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से एनिमेशन वाली, और उन्हें आप अपनी वीडियोस के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और कुकिंग वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।